बरसात में खुले नाले और खुदी हुई सड़कें जानलेवा साबित होती हैं और बरसात से पहले इन्हें ढकने की कोई कवायद नहीं की जाती। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा में नाले में गिरकर 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। स्कूल की लापरवाही के चलते इस बच्चे की जान गई है। सनी नाम था इस बच्चे का, होली मदर चाइल्ड स्कूल में पढ़ता था। बच्चा दोपहर के वक्त स्कूल के बाहर खेल रहा था और दोपहर के बाद हुई बारिश में वहां पानी भर गया और उसी दौरान बच्चा नाले में गिर गया। दोपहर बाद बच्चे के परिजन जब इसे स्कूल लेने के लिए वहां पर पहुंचे तो वहां पर नहीं मिला, लेकिन काफी ढूंढने पर बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। बच्चे को हमने खुद निकाला, हमने खुद ढूंढा। तो उस समय बच्चा कैसी हालत में था? बिल्कुल पानी में वैसे डूबा हुआ था, मतलब कई घंटे से उसमें था। कई घंटे से स्कूल वालों ने कोई प्रयास नहीं किया? कुछ भी नहीं। जब आसपास क्षेत्र में तलाश प्रारंभ की तो स्कूल के पास एक नाला जो खुला हुआ है उसमें बरसात के कारण काफी पानी भरा हुआ है, उसमें बच्चे की लाश मिली। बच्चा मृत हालत में करीब 2:30 बजे के आसपास बरामद किया गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों से मृत घोषित किया। घटनाक्रम के अनुसार होली मदर पब्लिक स्कूल सेक्टर 16 वसुंधरा के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा थाना इंदिरापुरम पर पंजीकृत कर लिया गया है।